हेलो एंड वेलकम टू ऑल। देखो, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने चल रही है, दैट इज़ अ खटाखट खटाखट पॉलिटिक्स। और इंडिया के अंदर ये खटाखट खटाखट पॉलिटिक्स क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्यों ये इतने चर्चा में है, क्यों इतनी सुर्खियाँ बटोर रहा है। देखो, अब बात करें जो खटाखट वर्ड है, ये राहुल गांधी ने इंट्रोड्यूस किया लोकसभा चुनाव के प्रचार के दरमियान। वैसे तो अंतिम फेज का चुनाव ये होना बाकी है, लेकिन खटाखट खटाखट जो वर्ड है वो मई के मध्य से, मिड मई से ये न्यूज़ में बना हुआ है और बहुत मीम्स बन रहे हैं। खुद मोदी जी ने भी इसे खटाखट खटाखट को 100 बार किया है। तो ये मोदी वर्सेस राहुल के बीच में खटाखट खटाखट कुछ नया खटाखट आ गया है। वैसे इस बात को राहुल गांधी ने कल फिर से ट्वीट करके न्यूज़ में डाल दिया है, न्यूज़ में फिर से इस पे चर्चा हो रही है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो INDAI गवर्नमेंट है, जिन्होंने वादे किए हैं कि अगर जो लोग हैं वो उन्हें वोट देते हैं और 4 जून के नतीजे आते हैं, तो 4 जून के बाद जो अगला 4 जुलाई आएगा, उस वक्त जो है उनके अकाउंट में 8,000 रुपये खटाखट खटाखट पहुंच जाएंगे। 1,00,000 रुपये का फ़ायदा खटाखट खटाखट पहुंच जाएगा। प्लाना दिमाग का जो भी इनकी पॉलिसीज़ है वो खटाखट खटाखट हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से अगर खटाखट खटाखट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या होने वाला है, क्या इसके परिणाम होंगे, उसे भी हम जानेंगे फटाफट। राइट ना, थोड़ा सीरियस नोट पे बात करते हैं। 4 जून के बाद गुड बाय बीजेपी। इन्होंने कल ये कहा है, गुड बाय नरेंद्र मोदी होगा, टाटा, बस 7 दिन बचे हैं। जनता को ठगने वाले जो नकली फकीर हैं, इनका जो है, लोग इनको जान गए हैं। INDAI को वोट मिलेगा खटाखट और भाजपा से देश को मुक्ति मिलेगी। देश के सच्चे अच्छे दिन आने वाले हैं फटाफट फटाफट। तो आप समझ रहे हो कि राहुल गांधी ने फिर से इस फटाफट खटाखट को डाला है। देखो, हम इसका कंपैरिजन 1991 के टाइम से करेंगे। क्यों? 1991 के टाइम में हमारे पास हाई लेवल के इकोनॉमिक्स थे, जिनको वर्ल्ड मानता है, पूरी दुनिया भारत मानती है कि ये हाई क्लास इकोनॉमिक्स थे। हालांकि उनके टाइम पे जो पड़ोसी देश थे, राइट, या अन्य जो देश थे, वो हमें एक बहुत ही डाउन ग्रोथ का और बहुत ही अलग तरीके का देश मानते थे, जो ना कुछ बोलता है, ना कुछ इकोनॉमी के लिए करता है, राइट। तो एक तरह से लथार्जिक टाइप का कंट्री था। और नाउ उनके हटने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, तो हम 5th नंबर की इकोनॉमी है। और आने वाले समय भी हमारे जो इकोनॉमी का पोजीशन है वो बढ़ के 3rd नंबर पर होने वाला है। तो ये तो बातें हो गई। नाउ आप समझेंगे, देखो ये जो खटाखट की बातें हैं, अगर ये आते हैं तो 1991 में जिस तरह से भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था और देश को बिना बताए छुपा के, देश से छूट बोल करके जो इन्होंने अपना सोना गिरवी रखा था। और उस समय तो हमारे पास अर्थशास्त्री थे, और आप देख सकते हो कि RBI के जो गवर्नर थे उनसे लेकर के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, राइट, जो कि हमारे हम कह सकते हैं फॉर्मर PM भी थे, मनमोहन सिंह जी, इन्होंने देश को बचाने के लिए भारत का सोना गिरवी रखा था। RBI के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ने मिलकर के ये काम किए थे। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखें, अगर ये खटाखट पॉलिटिक्स चली तो हमारा जो डेफिशिएट है वो बढ़ेगा। जो टैक्स पेयर है वो ऑब्वियसली बात है टैक्स देने से बचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो पैसा वो देश के विकास में नहीं, क्योंकि लोग ने विकास का जो मतलब हम कह सकते हैं टेस्ट है वो चख लिया है कि कैसे विकास होता है, कैसे रैपिड काम होता है, कैसे रैपिड ग्रोथ होता है। तो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो सही से अगर यूज़ होगा तो टैक्स देने में उसको इंटरेस्ट भी आएगा। और अगर ये खटाखट खटाखट ट्रांसफ़र होता रहा तो वो भी क्या करेंगे, फटाफट फटाफट छुपाने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमी हमारी डाउन जाएगी और हमारा डेफिशिएट बढ़ेगा, फॉरन जो रिजर्व है हमारा वो डाउन होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्या हम फिर से सोना गिरवी रखेंगे? देखो, 1991 में हुआ था, सोना गिरवी रखने के पीछे कारण ये थे कि हमारी जो गवर्नमेंट थी अनस्टेबल गवर्नमेंट थी। 1989 में राजीव गांधी को ये बहुत पता था कि उनका जो सरकार है वो गिरने वाला है, और उसके पीछे मेन कारण यही था, इकोनॉमिक क्राइसिस। उस समय का इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई था। और दूसरी बात है, इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा था गरीबी हटाओ के नाम पर, वो कुछ खास कर नहीं पाई थी। उसके बाद राजीव गांधी को सिंपैथी मिल गई बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा उनको गवर्नमेंट ने, मतलब उनका इतना ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हो कि प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत बहुमत की सरकार आई थी, लेकिन इकोनॉमी के तौर पे कुछ नहीं कर पाई। और लाइसेंस राज की जो कांग्रेस की पॉलिसी थी शुरू से, वो भारत को खोखला कर चुकी थी। मतलब आपको आज बंदूक रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कितना प्रोडक्शन करना है, किसको बेचना है, कहाँ बेचना है, सब चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। इसके कारण जो भारत की इकोनॉमी है वो काफ़ी ध्वस्त हो गई थी। ना दूसरी, उस समय हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, हम किसी से बाहर से ट्रेड करते नहीं थे, तो ये भी एक कारण था। उसके बाद चुनाव हारने के बाद जो अमल कमीशन की सरकार, मिली जुली सरकार बनी, उसमें हम देखेंगे कि VP सिंह की सरकार आई,
बहुत कुछ कर नहीं पाई और वीपी सिंह की सरकार चली गई। बाद में फिर चंद्रशेखर की गवर्नमेंट आई, फिर आप समझ रहे हो कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लिया और बहुत तरह की चीज़ें हुई। वीपी सिंह की सरकार भी यहाँ पे चली गई और फिर उसी साल में 1991 में ही फिर पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई और पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर के जो आरबीआई है, इन्होंने प्लान बनाया कि भारत की जो इकोनॉमी है उसको कैसे तो सुधारा जाए और कैसे जो है हम भारत का गोल्ड यूज़ कर सकते हैं। हालांकि एक बात है कि IMF से भी उस समय पैसा मांगा गया था, IMF ने हमें इनकार किया था। काफ़ी लंबे टरकाने के बाद IMF ने हमें बहुत ही थोड़ा अमाउंट दिया था, जिसे भी हम डिस्कस करेंगे इसी छोटे से वीडियो में। नौ, एक बात आपको जानने की ज़रूरत है कि आज के टाइम में जो INDIA है, दैट इज़ इंडी गवर्नमेंट, तो ये अगर जीते हैं तो फिर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यही लोग PM बनने के दावेदार होंगे। इसमें एक फेस को हटा दिया जाए, मैं फोटो से इनको हटा ही नहीं पाई हूँ क्योंकि मुझे भी डाउट है कि क्या पता 4 जून के नतीजे के बाद फिर वो इसी फ्रेम में आए। मैं बात करी नीतीश कुमार की, क्योंकि इस गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार ही हैं और जैसे ही इनको लगा कि ये इस मतलब गठबंधन के लीड पोजिशन में नहीं है, इन्होंने इस गठबंधन को टाटा बाय बाय कर दिया। 4 जून के बाद क्या होगा ये नहीं कह सकते, इसलिए आप समझिए ये सारे प्रधानमंत्री के दावेदार, इसमें कोई भी ऐसा नहीं जो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है। अब एक बात आप समझिए, उस टाइम पे 1991 के टाइम पे अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री आते थे जाते थे। अगर 2024 में 4 जून के बाद ये आएंगे तो यहाँ भी प्रधानमंत्री की दावेदारी बढ़ती झटती रहेगी, कभी कोई कभी कोई कभी कोई होगा। तो इस तरह से अनस्टेबल गवर्नमेंट उस समय थी, अनस्टेबल गवर्नमेंट इस समय है। फ्री वीज की सरकार आम आदमी पार्टी कितना पंजाब में चला रही है आप देख रहे हो, दिल्ली में कितना चला रही है देख रहे हो। हालांकि पंजाब की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो कर दिए हैं और जीरो तो तब होगी ही जब बिजली आएगी ही नहीं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं रही, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। और दिल्ली का हालत तो आप देख ही रहे हो, गर्मी बेहाल है और लाइन का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है, लोग पानी के लिए लाइन पर लगे हुए हैं। और अब समझ रहे हो कि ये हमारी जो पॉलिटिक्स है इस तरीके से चल रही है, फ्रीबीज की चल रही है और फिर ये फटाफट जो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे इससे हमारी इकोनॉमी और ध्वस्त होगी। गवर्नमेंट अनस्टेबल, इकोनॉमी ध्वस्त, और उस समय एक वॉर का माहौल था, उस समय गल्फ वॉर चल रहा था 1991 का, इस समय भी वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। आपने देखा रिसेंटली चाइना ने ताइवान को जो है, अभी रिसेंटली रिसेंटली की बात है, चाइना ने ताइवान को फिर से जो है मतलब ड्रिलिंग करके उनको डराने की कोशिश की है ना। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो हमास वॉर है, ठीक है, इसराइल का, वो चल रहा है चरम स्तर पर। आप समझ रहे हो अनस्टेबल चीज़ें आज भी चल रही, उस टाइम पर चल रही थी। और आप एक चीज़ और समझिए कि उस टाइम पर तो गोल्ड रखा गया, लेकिन गोल्ड, हमारा गोल्ड लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। जापान और ब्रिटेन ने हमसे गोल्ड लेने की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई देखो हम आपका गोल्ड जो लेंगे वो हम कंडीशंस पे लेंगे, हम आपको बाहर में ही आपका गोल्ड रखेंगे क्योंकि आपके देश में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर हमें विश्वास नहीं, करप्शन बहुत हाई लेवल है, हमारे यहाँ करप्शन बहुत हाई लेवल था, ये पूरे विश्व को पता था। और जो गोल्ड हमारे रखे गए थे, और अकॉर्डिंग टू मनमोहन सिंह की बात करें, जो पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दिया उसमें वो कहा है कि देखो ये अशुभ माना जाता है बट स्टिल हमने जो गोल्ड रखा है उसे हम फिर से लेने की कैपेसिटी रखेंगे और हम जो है इसे गिरवी नहीं बल्कि हमने इसे बेचा है, है ना। तो ये भी आप समझिए कि गोल्ड गिरवी ही नहीं बल्कि गोल्ड बेचा भी गया था और फिर से रीपर्चेज कर सके इस कंडीशन में बेचा गया था ना। एक बात बता दूं आपको, सुब्रमण्यम स्वामी का नाम आपने सुना होगा, जो फॉर्मर BJP नेता है और प्रेजेंट के टाइम में मोदी जी से इनकी बनती नहीं, मतलब कांटे का टक्कर है। तो ये IMF से जा करके लोन मांगने वाले व्यक्ति यही थे, ठीक है। जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई तब फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जाते हैं IMF से लोन मांगते हैं, अमेरिका ने शर्त रखी कि ईरान से हमारा जो युद्ध चल रहा है उसमें जब हम ईरान पे अटैक करेंगे तो हमें फ्यूल के लिए या फिर किसी भी चीज़ की हेल्प के लिए हमें कोई आसपास की कंट्री में लैंडिंग करनी होगी, हमें स्पेस चाहिए, तो अगर आप स्पेस देंगे तो हम आपको फिर IMF से लोन देंगे। तो उस टाइम पे इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए $2 बिलियन का लोन हमें मिला था जो कि हमारे लिए बिल्कुल ही अपर्याप्त था। तो ये एक चीज़ हुई थी ना। उसके बाद आप देखो एक चीज़ आप समझो, हमारी जो मतलब उस टाइम पे जो गवर्नमेंट हमारी थी, अनस्टेबल गवर्नमेंट, करप्शन हाई, वर्ल्ड पे इतना ज़्यादा वॉर हो रहा था, सेम चीज़ें हो रही हैं अभी भी। तो आप समझ सकते हो जो मेरा कंसर्न है वो यही है कि क्या हम 1991 के टाइम में वापस जाएंगे, और ऐसा अगर होता है तो हमारे देश के लिए क्या होगा ना। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, एक फर्जी न्यूज़ चली थी लास्ट ईयर 2023 में कि भारत ने अपना 268 टन जो गोल्ड है वो गिरवी रखा है, जो कि एक फर्जी न्यूज़ थी, फेक न्यूज़ थी। RBI ने उसे बयान दिया और RBI ने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने कोई भी अपना सोना जो है बाहर नहीं रखा है। तो क्या पहले बाहर भारत रखता था? देखो 1991 में तो गोल्ड बेचा गया था ये हमने जाना, लेकिन ये नियम है कि जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो जो है मतलब वर्ल्ड बैंक के पास या IMF के पास अपना सोना जो है वो कुछ परसेंटेज रखती हैं, राइट। कोई मैंडेटरी नहीं है बट
ये रखना होता है, प्रोसेस होता है। मतलब आप अपना लिक्विड मनी भी रख सकते हो या फिर आप गोल्ड भी रख सकते हो। तो भारत ने अभी तक नहीं रखा है 2014 के बाद से, लेकिन ये फर्जी और फेक न्यूज़ चल रहा था। आरबीआई ने क्लियर किया हमने नहीं रखा है, बट ये नॉर्म्स है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नॉर्म्स भी हमने जाना और फर्जी न्यूज़ के बारे में भी हमने जाना। और 1991 में हमने सोना गिरवी ही नहीं बल्कि बेचा भी था, ये भी हमने जाना। और क्या ये सिचुएशन बन सकता है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा कितना सही है, ये हमने डिस्कस किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।